दिल्ली में मेयर चुनाव टालने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। जी हां, पूता इसलिए कि दिल्ली एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव स्थगित होने के बाद दिल्ली में सियासत का पारा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता अब आमने सामने आ चुके। इस बीच आम आदमी पार्टी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर आज शनिवार को फिर से मेयर चुनाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन के बीच कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। चलो भाजपा।